एक एक कर चीन हर मोर्चे पर घिरता जा रहा है। गलवान, पैंगोंग, ब्लैक टॉप जैसे एलएसी के हर फ्रंट पर परास्त होने के बाद चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुंह के बल धड़ाम हो गया है। भारत ने यूएन की एक संस्था में चीन को चारों खाने चित होने करने जा रहा है और वोटिंग में भारत को 38 और चीन को सिर्फ 27 देशों का साथ मिला है। लेकिन यह कुछ भी नहीं, यूएन महासभा में ड्रैगन के चीथड़े उड़ाने की डेट फिक्स हो चुकी है। 2020 ड्रैगन के लिए विध्वंसक होने जा रहा है। वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल विलेन का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का फूल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, तारीख 26 सितंबर चाइना मैन का एनकाउंटर। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है, आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। ये अल्टीमेटम था, अब एक्शन होगा। ऐसा एक्शन जिसे जिनपिंग जैसा जहरीला तानाशाह कभी सोच भी नहीं सकता। उसके चेहरे से प्रेसिडेंट का मुखौटा नोचा जाएगा। 192 देशों के सुप्रीम लीडर्स के सामने बेनकाब होगा चाइनीज तानाशाह। शी जिनपिंग की साजिशों के चीथड़े उड़ जाएंगे। ड्रैगन के हर गुनाह का हिसाब होगा, वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे पाकिस्तान को परास्त किया, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल युद्ध छेड़ा, पीएम मोदी ने जैसे कायर पड़ोसी की धज्जियां उड़ाई, सब कुछ वैसा ही होगा। चीन का अंजाम पाकिस्तान से भी भयंकर होगा। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन चाइना शुरू हो चुका है। क्लाइमेक्स की तारीख भी तय है, ये 26 सितंबर है। ड्रैगन की चीर फाड़ का स्टेज यूएन महासभा होगा। वर्ल्ड लीडर मोदी ने जिनपिंग की करतूतों से दुनिया को आगाह करने के लिए जिस मंच को चुना, वहां उनका डंका बजता है। प्रधानमंत्री मोदी ही है जिन्होंने यूएन महासभा में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाई थी। ये पीएम मोदी ही है जिन्होंने आतंकियों को पालने पोसने वालों की शिनाख्त इंटरनेशनल बिरादरी से कराई। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। जैसा आतंकवाद वैसा ही विस्तारवाद, जैसा पाकिस्तान वैसा ही चीन। दुनिया को बुद्ध देने वाले भारत से युद्ध के लिए फड़फड़ा रहे चीन के साथ आतंकिस्तान जैसा ही इंतकाम लिया जाएगा। चीन के जब चीथड़े उड़ेंगे तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार यूएन महासभा में पीएम मोदी पाकिस्तान चीन के सारे ढोंग को सुनने के बाद अपना भाषण शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की डिटेल ये है। 22 से 29 सितंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र है। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जैसे दमदार लीडर जिनकी एक एक बात को बड़े गौर से दुनिया सुनती है, जिनके एक आह्वान पर दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो चुकी है, वो इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पीएम मोदी के टारगेट पर चीन होगा, उसका पालतू पाकिस्तान होगा और दो शातिर दुश्मनों का खौफनाक कारनामा होगा। बात इतने पर भी खत्म नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को जोरदार पंच लगाने के बाद रियल एक्शन की बारी आएगी। ड्रैगन वॉर जोन में भारत के आगे घुटने के बल जो आ चुका है। लद्दाख में भारत के शूरवीर चीनी चांडालों पर हावी हो चुके हैं।
फासला इतना है कि जिनपिंग की पूरी फौज आ जाए तब भी भारत से टक्कर लेने में दम उखड़ जाएगा। ये तो सबको पता है कि भारत की सेना एलएसी की ऊंची चोटियों पर मुस्तैद है, लेकिन रेड आर्मी से भारतीय जवानों का फासला कितना है ये भी देखिए। भारत के जवान जिन चोटियों पर तैनात हैं, उन्हें किसी बहुमंजिला इमारत से तुलना करने पर फर्क कई हजार मीटर का है। मतलब चीनी सेना ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है तो भारत के जवान 30 फ्लोरों पर। पहाड़ी युद्ध में इतनी ऊंचाई नतीजा तय करती है, क्योंकि इतनी हाइट से भारतीय फौज ने कंकड़ पत्थर भी मारे तो वो भी बुलेट की रफ्तार से चीनी जवानों को छलनी कर सकते हैं। वैसे भी 5000 फीट ऊंचे रण क्षेत्र में भारत के एक जवान से भिड़ने के लिए ड्रैगन आर्मी को 9 कायरों को भेजना पड़ता है। भारत से आमने सामने लड़ने का तो हौसला ही नहीं है, ना ही माउंटेन वॉर का कोई अनुभव। ये तो साफ है कि पीएलए के कुल 21 लाख जवान भी भारत से टक्कर लेने का दम नहीं रखते, लेकिन ड्रैगन पीठ पीछे साजिशें रचने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। चाइनीज तानाशाह की लेटेस्ट खुराफात सैटेलाइट कैमरे में कैप्चर हुई है, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये एलएसी का पूर्वी इलाका है जहां चीनी सेना कई पोस्ट तैयार कर चुकी है। ड्रैगन आर्मी की नई पोस्ट जुलाई महीने के बाद बनाई गई। जुलाई तक इस जगह कोई भी चौकी नहीं थी, लेकिन सितंबर महीने तक इस लोकेशन पर लाल सेना विस्फोटक हथियारों के साथ तैनात हो चुकी है। दौलत बे गोल्डी और डेपसांग के करीब रेड आर्मी ने कुल 6 आर्मी कैंप बना रखे हैं। यूरोपिया सैटेलाइट ने ड्रैगन की बारूदी साजिश का खुलासा किया है, तो वहीं सुपर पावर का आसमानी योद्धा भी जिनपिंग की जड़ खोदने में लगा है। अमेरिका ने अपने जासूसी प्लेन ग्रुमान E-8 को चीन की रेकी में लगा दिया है। सुपर पावर का ये स्पाई प्लेन ड्रैगन नेवी की हर मूवमेंट की क्लियर पिक्चर सीधे पेंटागन तक भेज रहा है। समंदर में चीन घिरा है, बॉर्डर पर उसकी गर्दन फंस चुकी है, इंटरनेशनल मंच पर जिनपिंग की धुलाई पक्की हो चुकी है। रही कसर उनकी जंगी सनक की, तो जिस दिन चाइनीज तानाशाह ने युद्ध छेड़ा वो उनके खात्मे का काउंटडाउन होगा। दुनिया एकजुट होकर ग्लोबल विलन का काम तमाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।